सऊदी अरब समेत 23 देशों ने तेल के उत्पादन में कटौती करने का फैसला लिया है, जिससे अब भारत में पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ सकते हैं। बता दें कि ओपेक देश मिलकर हर रोज 19 करोड़ लीटर क्रूड ऑयल का उत्पादन अब कम करने वाले हैं और इस वजह से तेल की कीमतों में प्रति बैरल $10 तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसका सीधा असर भारत समेत दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ेगा। अकेले सऊदी अरब पिछले साल की तुलना में 5% कम तेल उत्पादन करेगा। इधर इराक ने भी रोजाना करीब 2 लाख बैरल तेल का उत्पादन कम करा है और ऐसे में अनुमान ये भी लगाए जा रहे हैं कि उत्पादन और भी कम हो सकता है। तो देखिए, एक बैरल कच्चे तेल की कीमतों में $10 बढ़ने से देश की महंगाई दर 0.1% तक बढ़ जाती है और ऐसे में इसका सीधा असर पेट्रोल डीजल के दामों पर भी पड़ेगा। भारत की बात की जाए तो पेट्रोल डीजल और भी ज्यादा महंगे हो सकते हैं। तो देखिए, सऊदी अरब, ईरान समेत 23 ओपेक देशों ने हर रोज 11.5 लाख बैरल यानी करीब 19 करोड़ लीटर तेल के उत्पादन में कटौती करने का फैसला लिया है और इस फैसले से तमाम देशों में पेट्रोल डीजल के दामों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। अगर इस तरह से घटाया जाता है तेल का उत्पादन तो पेट्रोल और डीजल दोनों ही दाम अचानक से दोनों ही इनके दाम बढ़ेंगे, भारत के बाजार में भी इसका सीधा असर पड़ सकता है।